फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यूरिक एसिड का जो ट्रीटमेंट है उसको आप डाइट के साथ साथ मेडिकेशन से भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूरिक एसिड की रेंज 7 to 8 आ रही है, ठीक है, तो फिर वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ डाइट से मैनेज हो जाए, आपको उसके साथ मेडिकेशन भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि आपकी पेन रेजिस्टेंस पे। हो सकता है कुछ लोगों की यूरिक एसिड की रेंज 7 to 8 या 9 भी आ रही हो, उनको पेन ना हो रही हो, और कुछ लोगों की 6 to 7 तक भी जा रही हो तो उनको बहुत ज़्यादा पेन शुरू होने लग जाए। अच्छा, अब ये होता है कि जब बॉडी यूरिक एसिड को फ्लश आउट नहीं कर पाती तो वो फिर हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब यूरिक एसिड बॉडी में स्टोर हो रहा है तो या तो वो आपके टोज में जाके स्टोर हो जाएगा या आपके जॉइंट्स में जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर जब एक ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है तो फिर आपको उस वक्त पेन का एहसास होने शुरू हो जाता है। तो आपके या तो जोड़ों में या आपके पाँव में दर्द होने शुरू हो जाती है। तो यूरिक एसिड जब क्रिस्टल के फॉर्म में आपकी बॉडी में जमा शुरू होना शुरू हो जाता है तो उसको हम गाउट भी कहते हैं। गाउट में अब ये होता है कि या तो आपके टोज में जाके यूरिक एसिड स्टोर हो जाएगा या फिर आपके जॉइंट्स में। अब उस जब ये स्टोर हो जाता है तो उसके बाद या तो आपको पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है या फिर आपको पेन शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड की वजह बनती है, मतलब यूरिक एसिड जब आपकी बॉडी में स्टोर होता है तो इस वजह से आपकी फिर बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके पाँव पे पेन या स्वेलिंग शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड की जो ज्यादती वो बढ़ गई है आपकी बॉडी में। तो आपको उसको वहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, या तो आप अपनी मेडिकेशन उसके साथ साथ करेंगे, उसके साथ साथ आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे। अब देख लेते हैं कि डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह बनती हैं, या हम ऐसी डाइट में कौन सी चीज़ें ले रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारा यूरिक एसिड मजीद बढ़ जाता है। अगर ये चंद चीज़ें आप अपनी डाइट से निकाल दें तो आपका यूरिक एसिड का मसला काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है मीट। आपने मटन या बीफ से कम्प्लीटली अवॉइड करना। अगर आपको यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा मसला है और आपको पेन भी हो रही है और आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं तो आपने अपनी डाइट में भी कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है जिसमें आ जाती हैं। एक तो आपने मटन और बीफ से अवॉइड करना है। उसके अलावा आप लोग सोचते हैं कि चलो प्रोटीन का सोर्स मटन और बीफ तो ले नहीं रहे, हम बीन्स या इस तरह की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, तो लेकिन आपने वो भी नहीं लेनी। आपने मटन, बीफ, दालें, हर तरह की दाल से, आपने चनों से, आपने रेड बीन से, इनसे आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इसके अलावा जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं आपने उनको भी कम्प्लीटली अवॉइड करना है, जैसे कि बंद गोभी हो गई, बंद गोभी से भी आपने अवॉइड करना है। अच्छा, अब ये होता है कि जब आप प्रोटीन का कोई भी सोर्स नहीं ले रहे तो हो सकता है आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंट भी हो जाए, तो बेहतर है कि आप मीट और बीफ से उसमें मीट में बीफ और मटन से अवॉइड करें। लेकिन आप फिश और चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में मीट में चिकन और फिश लाजमी ऐड करें अगर आप कम्प्लीटली तौर पर मटन और बीफ बंद कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अब इसके अलावा जो होती है गैस वाली या बादी वाली चीज़ें, उनसे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आपने इन चीज़ों को अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर देना है। आप अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, आप दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जौ के दलिये का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जिनको यूरिक एसिड का मसला है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना वाटर इनटेक पूरा रखें। अपना वाटर इनटेक पूरा रखेंगे तो उनका जो बॉडी का एक्सेस यूरिक एसिड है वो फ्लश आउट होगा। अगर आप पानी नहीं पी रहे, कम से कम भी आपको चाहिए कि 8 से 10 गिलास लाजमी तौर पर पानी पिए। अगर आप 8 से 10 गिलास पानी नहीं पी रहे तो जो आपका यूरिक एसिड बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है वो फ्लश आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम भी आप 8 से 10 गिलास पानी पिए। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।